वंदे मातरम मित्रों, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी, हिंदी साहित्य आदि की तैयारी अच्छी चल रही होगी। मित्रों, आज हम सरस्वती पांडे द्वारा लिखित पुस्तक हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास का अध्ययन करेंगे, क्योंकि यह पुस्तक सभी हिंदी साहित्य पुस्तकों का निचोड़ है। आपका अधिक समय न लेते हुए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा। मित्रों, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास फ्रेंच विद्वान गार्सा दत्तासी ने किया। अगला फैक्ट, गार्सा दत्तासी ने अपनी पुस्तक फ्रेंच भाषा में लिखी। अगला फैक्ट, तासी ने अपनी पुस्तक का नाम इस्तवार दाला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी रखा, जो कि यह फ्रेंच भाषा में थी। अगला फैक्ट, यह पुस्तक दो भागों में विभक्त है, जिसका प्रथम प्रकाशन क्रमशः 1839 तथा 1847 ईस्वी में हुआ। यह ग्रंथ ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति की ओर से पेरिस में मुद्रित किया गया। दोस्तों, अगला फैक्ट, इस्तवार दाला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी का द्वितीय संस्करण तीन भागों में विभक्त हो गया, जिसका प्रकाशन सन 1871 ईस्वी में हुआ। दोस्तों, तासी ने अपनी पुस्तक में हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण अंग्रेजी वर्ण क्रमानुसार दिया, जो कि ये शब्दकोश के अनुसार है। अगला फैक्ट, गार्सा दत्तासी के ग्रंथ में कुल 738 कवि हैं, जिनमें केवल हिंदी के केवल 72 कवि तथा शेष उर्दू के हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि गार्सा दत्तासी के ग्रंथ में कुल कितने कवि लिए गए थे, तो आपका उत्तर होगा 738 कवि। दोस्तों, अगला फैक्ट, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने तासी के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से सन 1952 ईस्वी में किया। अगला फैक्ट दोस्तों, तासी की पुस्तक इस्तवार दाला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी में एंदुई के लिए हिंदुस्तानी के लिए हिंदुस्तानी उर्दू अर्थ में प्रयुक्त होता है। अगला फैक्ट, हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा में हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम ग्रंथ श्री महेश दत्त शुक्ल द्वारा रचित भाषा काव्य संग्रह है। दोस्तों, गार्सा दत्तासी द्वारा लिखा गया इस्तवार दा लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी वो फ्रेंच भाषा में था, जबकि ये श्री महेश दत्त शुक्ल द्वारा लिखा गया भाषा काव्य संग्रह हिंदी भाषा में प्रथम इतिहास ग्रंथ है। अगला फैक्ट, भाषा काव्य संग्रह का प्रकाशन 1873 ईस्वी में नवल किशोर प्रेस लखनऊ से हुआ। अगला फैक्ट, शिवसिंह सेंगर ने शिवसिंह सरोज नाम से हिंदी भाषा में दूसरा महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ रचा। अगला फैक्ट, शिवसिंह सरोज का प्रकाशन 1883 ईस्वी में हुआ। प्रश्न आ सकता है, शिवसिंह सरोज का प्रकाशन कब हुआ? तो आपका उत्तर होगा, शिवसिंह सरोज का प्रकाशन सन 1883 ईस्वी में हुआ। अगला फैक्ट, शिवसिंह सरोज में लगभग 838 कवि भाषा कवियों का जीवन परिचय तथा उनकी कविताओं के उदाहरण दिए गए हैं।
अगला फैक्ट, सन 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में जॉर्ज गियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नेकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ। तो प्रश्न आ सकता है जॉर्ज गियर्सन के इतिहास ग्रंथ का क्या नाम है? तो आपका उत्तर होगा जॉर्ज गियर्सन के इतिहास ग्रंथ का नाम द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है। अगला फैक्ट, जॉर्ज गियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। जॉर्ज गियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। अगला फैक्ट, गियर्सन ने अपने ग्रंथ में कुल 952 कवियों को शामिल किया था। प्रश्न आ सकता है गियर्सन ने अपने ग्रंथ में कुल कितने कवियों को शामिल किया था? तो आपका उत्तर होगा गियर्सन ने अपने ग्रंथ में 952 कितने 952 कवियों को शामिल किया था। अगला फैक्ट, डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नेकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से अनुवाद किया, जिसका प्रकाशन सन 1957 में हुआ। तो प्रश्न आ सकता है डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने जॉर्ज गियर्सन के ग्रंथ का की पुस्तक का किस नाम से प्रकाशन किया? तो आपका उत्तर होगा हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम शीर्षक से हिंदी में अनुवाद किया, जिसका प्रकाशन सन 1957 में हुआ। अगला फैक्ट, गियर्सन ने कवियों और लेखकों का कालक्रमानुसार वर्गीकरण किया तथा उनकी प्रवृत्तियों को स्पष्ट किया। अगला फैक्ट, विभिन्न युगों की काव्य प्रवृत्तियों की व्याख्या करते हुए उनसे संबंधित सांस्कृतिक परिस्थितियों व प्रेरणा स्रोतों का उद्घाटन किया। अगला फैक्ट, प्रस्तुत ग्रंथ को विभिन्न कालखंडों में विभक्त किया तथा प्रत्येक अध्याय काल विशेष का सूचक है। अगला फैक्ट, जॉर्ज गियर्सन ने प्रथम बार हिंदी साहित्य का भाषा की दृष्टि से, दोस्तों हिंदी भाषा का भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारण करते हुए संस्कृत प्राकृत एवं अरबी फारसी मिश्रित उर्दू को उससे अलग किया। अगला फैक्ट, हिंदी साहित्य के विकास क्रम का निर्धारण चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य, दरबारी काव्य के रूप में किया। हिंदी साहित्य के विकास क्रम का निर्धारण चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य और दरबारी काव्य के रूप में किया। अगला फैक्ट, 16वीं 17वीं शताब्दी के युग भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग माना है। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनता है कि हिंदी के भक्ति काल को स्वर्ण युग किसके द्वारा माना गया? तो आपका उत्तर होगा भक्ति काल को स्वर्ण युग जॉर्ज गियर्सन द्वारा माना गया। अगला फैक्ट, मिश्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की। दोस्तों मिश्र बंधु तीन भाइयों का ग्रुप था जो इस प्रकार है, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र आदि है। अगला फैक्ट, मिश्र बंधु विनोद चार भागों में विभक्त है, जिसके प्रथम तीन भाग का प्रकाशन 1913 ईस्वी में तथा चतुर्थ मतलब चौथा भाग 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अगला फैक्ट, मिश्र बंधु विनोद में 4591 कवियों का जीवन परिचय वर्णित है। अगला फैक्ट, इसमें अनेक अज्ञात कवियों को प्रकाश में लाने के लिए के साथ ही उनके साहित्य महत्व को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया।
अगला फैक्ट, मिश्र बंध विनोद में कवियों का सापेक्षिक महत्व निर्धारण करने के लिए उनकी चार श्रेणियां बनाई गई। अगला फैक्ट, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का सर्वोच्च स्थान है। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये अक्सर आता रहता है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का स्थान सर्वोच्च है। आचार्य शुक्ल का इतिहास मूलतः नागरी प्रचारी सभा द्वारा, दोस्तों नागरी प्रचारी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में हुआ था। आचार्य शुक्ल का इतिहास ग्रंथ मूलतः नागरी प्रचारी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास नाम से सन 1929 ईस्वी में हुआ। अगला फैक्ट, हिंदी साहित्य का इतिहास में 1000 कवियों और लेखकों को शामिल किया गया। अब प्रश्न आ सकता है, हिंदी साहित्य के इतिहास में कुल कितने कवियों को शामिल किया गया था? तो आपका उत्तर होगा, हिंदी साहित्य का इतिहास में, जो कि रामचंद्र शुक्ल जी का इतिहास ग्रंथ है, इसमें कुल 1000 कवियों और लेखकों को शामिल किया गया था। अगला फैक्ट, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शिव सिंह सेंगर, इनका इतिहास ग्रंथ है शिव सिंह सरोज, और जॉर्ज गियर्सन, इनका इतिहास ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नेकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, तथा मिश्र बंधुओं के इतिहास ग्रंथ को कविव्रत संग्रह संज्ञा से अभिहित किया। अगला फैक्ट, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, दोस्तों इनके कथन बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, इसलिए इनके कथनों को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्रवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्रवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। जनता की चित्रवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती है। दोस्तों ये कथन 2021 UPTGT के एग्ज़ाम में आया हुआ है, तो इनका कथन इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए इनके कथनों को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। चलिए आगे, अगला फैक्ट, सर्वप्रथम आचार्य शुक्ल ने साहित्य इतिहास को आलोचना से अलग किया तथा अपने विकासवादी एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का परिचय दिया। अगला फैक्ट, आचार्य शुक्ल ने साहित्य इतिहास के प्रति एक निश्चित सुस्पष्ट दृष्टिकोण का परिचय देते हुए युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में विकास क्रम की व्याख्या करने का प्रयास किया अगला फैक्ट, आचार्य शुक्ल ने काल विभाजन के अंतर्गत हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 400 स्पष्ट कालखंडों में विभक्त किया। शुक्ल जी ने भक्ति काल को 4 भागों या शाखाओं में बांटकर उसे सर्वप्रथम शुद्ध दार्शनिक एवं धार्मिक आधार पर प्रतिष्ठित किया। इन्होंने भक्ति काल को 2 भागों में बांटा, निर्गुण धारा, सगुण धारा।
इसी प्रकार निर्गुण धारा को भी दो भागों में बांटा, जो कि इस प्रकार है, ज्ञानाश्रय शाखा और प्रेमाश्रय शाखा। इसी प्रकार सगुण धारा को राम भक्ति शाखा में और कृष्ण भक्ति शाखा में विभाजित किया। अगला फैक्ट, रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में पहली बार कवियों और साहित्यकारों के जीवन चरित्र संबंधी इतिवृत्ति के स्थान पर उनकी रचनाओं के साहित्यिक मूल्यांकन को प्रमुखता दी। अगला फैक्ट, एडविन ग्रिप्स महोदय ने सन 1917 में अंग्रेजी भाषा में ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से हिंदी साहित्य का एक संक्षिप्त इतिहास ग्रंथ लिखा। तो प्रश्न आ सकता है, एडविन ग्रिप्स महोदय के इतिहास ग्रंथ का क्या नाम है? तो आपका उत्तर होगा, एडविन ग्रिप्स महोदय ने के इतिहास ग्रंथ का नाम ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर है, जो कि ये अंग्रेजी भाषा में लिखित है। अगला फैक्ट, इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास के पांच भाग में विभाजित किया। अगला फैक्ट, सन 1920 में एफ ई के ने अंग्रेजी भाषा में, दोस्तों ये भी अंग्रेजी भाषा में था, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से इतिहास ग्रंथ लिखा। अगला फैक्ट, तजकीरा ई सुराई हिंदी जो कि ये 1848 ईस्वी की है, नामक इतिहास ग्रंथ मौलवी करीमुद्दीन द्वारा लिखा गया। इसमें कुल कवियों की संख्या 1004 है, जिसमें हिंदी के केवल 62 कवि। दोस्तों 1004 कवियों में हिंदी के केवल 62 ही कवि थे। इस ग्रंथ में प्रथम बार काल क्रम का ध्यान रखा गया। दोस्तों तज़किरा ई सुराई हिंदी 1848 ईस्वी में नामक इतिहास ग्रंथ मौलवी करीमुद्दीन द्वारा लिखा गया। इसमें कुल कवियों की संख्या 1004 है, जिसमें हिंदी के केवल 62 कवि हैं। इस ग्रंथ में पहली बार इतिहास ग्रंथ में प्रथम बार कालक्रम का ध्यान रखा गया। अगला फैक्ट, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी की है ये। अगला है, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुई, और हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 नाम से प्रकाशित हुई। अगला फैक्ट, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, दोस्तों यहाँ पर आचार्य द्विवेदी से तात्पर्य है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ना कि महावीर प्रसाद द्विवेदी से। यहाँ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के लिए आचार्य द्विवेदी दिया गया है। अपने इतिहास में परंपरा की निरंतरता का अनुशीलन करते हुए एक व्यापक इतिहास दर्शन की भूमिका तैयार की। अगला फैक्ट, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक पुस्तक लिखी, जो कि ये एक अधूरा ग्रंथ है। तो प्रश्न आ सकता है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा के इतिहास ग्रंथ का क्या नाम है? तो आपका उत्तर होगा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा के इतिहास ग्रंथ का नाम हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ है। ये 1938 में प्रकाशित हुआ। अगला फैक्ट, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास का प्रकाशन सन 1938 में हुआ। दोस्तों इन्होंने हिंदी के प्रथम कवि के रूप में स्वयंभू को माना है, स्वयंभू को। किसको माना है? स्वयंभू को। अगला फैक्ट,
डॉक्टर वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ में 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक की काल अवधि अर्थात संधि काल से लेकर भक्ति काल तक की अवधि को ही लिया है। अगला फैक्ट, डॉक्टर वर्मा ने संपूर्ण ग्रंथ को 7 प्रकरण में विभक्त किया। कितने प्रकरण में? 7 प्रकरण में। अगला फैक्ट, डॉक्टर वर्मा ने स्वयंभू को, जो कि अपभ्रंश के सबसे पहले कवि हैं, इन्होंने हिंदी का पहला कवि मानते हुए हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से स्वीकार किया। इनको पहला कवि हिंदी का माना है। अगला फैक्ट, हिंदी आप पढ़ेंगे हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी प्रमुख ग्रंथ तथा रचनाकार जो इस प्रकार हैं। हिंदी काव्यधारा 1944 ईस्वी की है, ये है पंडित राहुल सांकृत्यायन, इनके द्वारा लिखी गई है। हिंदी काव्यधारा 1944 ईस्वी में, यह है पंडित राहुल सांकृत्यायन की। अगला, हिंदी साहित्य का इतिहास 1973 ईस्वी में, दोस्तों संपादित किया इन्होंने, डॉक्टर नगेन द्वारा संपादित है ना। दोस्तों प्रश्न आता है कि हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन नहीं है, तो आपका उत्तर होगा डॉक्टर नगेंद्र, क्योंकि इन्होंने साहित्य लिखा नहीं, केवल संपादित किया है। अगला फैक्ट, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास ये किसकी है? डॉक्टर गणपत चंद गुप्त की। ये दो भागों में विभाजित है, प्रथम व द्वितीय खंड 1965 ईस्वी में। अगला, हिंदी साहित्य का अतीत जो कि ये भी दो भागों में विभाजित है, ये किसकी है? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। पांचवा, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास ये 1986 ईस्वी की है, ये ग्रंथ डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का है। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन ये है डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा जी का। अगला, हिंदी भाषा का विकास 1924 ईस्वी की है, हिंदी भाषा का विकास 1924 ईस्वी की डॉक्टर श्याम सुंदर दास। अगला, हिंदी भाषा और साहित्य 1930 ईस्वी डॉक्टर श्याम सुंदर दास, ये भी है। अगला, हिंदी कोवित रत्नमाला ये भी डॉक्टर श्याम सुंदर दास की है। ये दो भागों में विभाजित है, प्रथम भाग 1909 में प्रकाशित हुआ व द्वितीय भाग 1914 ईस्वी में। अगला, राजस्थानी भाषा और साहित्य ये है डॉक्टर मोतीलाल मीनारिया की। अगला, राजस्थानी पिंगल साहित्य ये भी डॉक्टर मोतीलाल मीनारिया की है। अगला, हिंदी वीर काव्य ये 1945 ईस्वी में प्रकाशित हुई, ये है डॉक्टर टीकम सिंह तोमर द्वारा लिखित। अगला, हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास ये है डॉक्टर भगीरथ मिश्र की। अगला, आधुनिक हिंदी का आदिकाल ये है 1973 की श्री नारायण चतुर्वेदी द्वारा लिखित। अगला, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1945 ईस्वी में प्रकाशित, यह है नंदुलारे वाजपेयी द्वारा लिखित। अगला, आधुनिक हिंदी साहित्य 1950 ईस्वी में प्रकाशित, यह है नंदुलारे वाजपेयी द्वारा लिखित। अगला, हिंदी साहित्य का इतिहास 1931 ईस्वी का है, यह है रामाशंकर शुक्ल रसाल की। अगला, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास यह है उदय नारायण तिवारी की। अगला है, हिंदी साहित्य विमर्श
अगला फैक्ट, हिंदी साहित्य विमर्श 1923 ईस्वी में यह है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी द्वारा लिखित। अगला, कविता कौमुदी 1917 ईस्वी की है, ये राम नरेश त्रिपाठी की है। अगला, भाषा काव्य संग्रह 1873 ईस्वी में ये है महेश दत्त शुक्ल द्वारा रचित। दोस्तों ये आप पहले पढ़ चुके हैं, ये भाषा काव्य संग्रह हिंदी भाषा की प्रथम इतिहास ग्रंथ है भाषा काव्य संग्रह। अगला, हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 1930 ईस्वी में प्रकाशित सूर्यकांत शास्त्री जी की है। अगला, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास यह है 1934 ईस्वी की कृष्ण शंकर शुक्ल की है। अगला, मॉडर्न हिंदी लिटरेचर यह 1939 ईस्वी की है, इसके लेखक हैं इंद्रनाथ मदान। अगला, खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास यह है 1941 ईस्वी की, इसके रचनाकार हैं ब्रज रत्न दास। अगला, आधुनिक हिंदी साहित्य 1941 ईस्वी की है, इसके लेखक हैं लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। अगला, ब्रज माधुरी सार 1923 ईस्वी के है, इसके लेखक हैं वियोगी हरि। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 ईस्वी के है, यह है डॉक्टर बच्चन सिंह। दोस्तों ये पुस्तक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 2021 के टीजीटी पीजीटी में इससे क्वेश्चन बहुत ही आए हुए हैं, इसलिए ये बुक बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है। अगला, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003 की है, इसके रचनाकार सुमन राजे हैं। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2023 की है, सुमन राजे द्वारा लिखित। अगला, हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास नीलाभ की है, हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास नीलाभ की है। अगला, हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास नीरजा माधव की है, जो कि 2013 में प्रकाशित है। दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त करेंगे, फिर आपकी सेवा में उपस्थित होंगे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।